वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल सुनीता साहू सी जी में आपका स्वागत है और डेली रूटीन के साथ मैं फिर अपने ब्लॉग के साथ आ गई। आपको मेरी चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप कहाँ देख रहे हैं। और आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त रहिए। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं नहा धो के पूजा करके आ गई हूँ मंदिर से, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद मंदिर जाना स्टार्ट की हूँ। गर्मी की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी, जो मैं अभी स्टार्ट कर चुकी हूँ। और मंदिर से आके मैंने नाश्ता पानी कर लिया और साथ ही साथ देख सकते हैं कपड़ा रखा हुआ। अब मैं चलती हूँ कपड़ा को सुखाने है। और उसी के साथ खाना मैं बना रही हूँ भुजिया, क्योंकि सब्जी पहले मैं कुंदरू भुजिया बनाई हूँ, उसके बाद मैंने गोभी की भाजी बनाई है और अब बना रही हूँ भुजिया। तो चलिए कपड़ा सुखाने के साथ भुजिया भी भूनते हैं। और इसी तरह बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। और आप सबको राम राम। देख सकते हैं मैंने कपड़ा भी सुखाने डाल दिया है। अब हम लोग चलते हैं, भुजिया भूंज रही हूँ उस तरह। देखिए आधा भूजेगी और आधा पानी में भूजती हूँ, क्योंकि उस समय हल्दी तो और कड़कड़ से हो जाते हैं। चलिए हल्दी नमक डाल देते हैं और साथ साथ मैंने पानी भी बैठा दिया है चावल का। रख दी चावल में भूजते, क्योंकि बेटा जल्दी आ जाता है, उसकी वजह से मुझे सब रेडी रखना है। जैसे हुआ था वैसे मैं फिर चावल और भुजे के अंदर फिर से भूजूँगी। तो चलिए हल्दी नमक डाल देते हैं। तो देख सकते हैं मैंने हल्दी नमक डाल दिया है। अब मैं इसे ऐसे रखूँगी और बाद में खाने के समय अंदर ढकेंगे। इससे क्या है, हमारा आलू बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है। तो चलिए इसे ढक, गैस को बंद करके अब इसे मैं ढक देती हूँ। देख सकते हैं हमारा चावल सब भून गया है। इसे मैं ढक के रख देती हूँ। आज भी मुझे मैंने जो साड़ी में फॉल्स लेके रखा था अब उसे लगाऊंगी। चलिए लगाते हैं। अगरबत्ती जलने के बाद मैं फिर पूजा का इसको बंद कर दूँगी। देख सकते हैं आज मैं लगाती हूँ इस साड़ी में फॉल्स, क्योंकि बहुत सारा साड़ी रखी हुई है फॉल्स लगाने के लिए। तो आज मैं इस साड़ी में फॉल्स लगाती हूँ, देख सकते हैं। अब फॉल्स को मैं धो के आयरन करके रख देती हूँ। देखिए तो चलिए लगाते हैं फॉल। गर्मी की वजह से सारा गला, मतलब जो गला में पहनती हूँ वो भी खोल दी हूँ। चलिए खाते हैं दवाई, क्योंकि मैं नाश्ता करने के बाद दवाई नहीं खाई हूँ। यहाँ का तो गर्मी कम ही नहीं हो रहा है, ना बारिश भी नहीं। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं मैंने फॉल्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। अभी कितना देर में लगेगी नहीं पता, देखते हैं। शाम भी हो सकती है, क्योंकि बीच बीच में उठ के सब करना भी पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं मेरे साड़ी में फॉल्स लगाते हो गया है। बस उसमें अब थोड़ा सा ही बचा है और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे अब चलती हूँ मैं अपना आधा भुजिया भूंगी, उसको भूंगे और भात पकाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देख सकते हैं साड़ी का थोड़ा सा बचा हुआ है, जो वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। और उसी के साथ मैं बना रही हूँ चावल और ये हमारा भुजिया है जो बनते आए हैं। और हमारा चावल भी देख सकते हैं बन गया। तो चलिए अब हमारा लंच रेडी हो गया है। अब थोड़ी देर बाद हम करते हैं लंच। इसी तरह बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो पहले बेटा को निकाल के दे रही हूँ, क्योंकि बेटा स्कूल से आया तो पहले उसे खाना दे देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। इसी तरह बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं मेरे साड़ी में फॉल्स लग गया है थोड़ा थोड़ा करके। मैं सोची शाम, क्योंकि कल जो मैंने साड़ी लगा रही थी उसमें शाम हो गया लगाते रहे, क्योंकि बीच बीच में रुकना है, फिर काम करना है, फिर लगाना। तो आज मैं पहले ही लगा ली हूँ। अब चलिए रखते हैं और चल अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। और इसी तरह बनी रही मेरे ब्लॉग पे।
हेलो गाइस, तो शाम हो चुकी है और देख सकते हैं यहाँ राजवी आ गई है पढ़ने, क्योंकि इसका स्कूल सुबह है तो अब शाम को आती है पढ़ने, तो अब शाम को ही पढ़ाते हैं। मैं सो के उठ गई हूँ, फिर इसे पढ़ा रही हूँ, बेटा चल गया ट्यूशन और उसी के साथ फिर मैं ये पढ़ के जाएगी, फिर मैं झाड़ू पोछा मारूंगी, फिर चाय बनाऊंगी और चाय पीऊँगी। उसी के साथ मिलते हैं थोड़ी देर बाद, इसी तरह बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। हेलो गाइस, तो शाम की चाय लेके हम बैठ गए अपनी जगह पे, देख सकते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ चाय पीजिए। तो चलिए पीते हैं, उसके बाद देखते हैं शाम के लिए क्या खाना बनाना है, मैं डिनर के लिए सोचते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। तो पहले चाय का मज़ा ले लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। मिलते हैं चाय पीने के बाद। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं डिनर में मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल चुकी हूँ और थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन को पीसा है मैं, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ नहीं डालती हूँ। तो चलिए देखें मैं कैसे मसाला बनाती हूँ आलू पराठा का, मैं अपने तरीक़े से ही बनाती हूँ। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी। हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट, अब साथ ही साथ मैं डालती हूँ आलू को। और नमक और हल्दी डालूंगी साथ ही साथ। ये हमारा चल गया नमक, थोड़ा सा हल्दी और इसे हम करते हैं। इसी तरह मसाला को मैंने रेडी किया है, अब करती हूँ आटा गूंदने और इसे मैं ठंडा होने रख देती हूँ। ठंडा हो जाने से हमें रोटी में सुविधा होगी। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ आलू का पराठा बनाने के लिए। हमारा सब चीज़ रेडी हो गया, आटा वाटा गूंद गया है, अब चलिए बनाते हैं आलू का पराठा। तो देख सकते हैं हमारा पराठा बन के रेडी हो रहा है, इधर एक बन के रखा हुआ है दूसरा। बेटे को आलू पराठा बहुत ही पसंद है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा ही आलू डाल दी हूँ लग रहा। चलिए निकालते हैं प्लेट और उसे सब्जियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह सूखा ही आलू पराठा पसंद करता है। अभी लीजिए, चले आइए आइए। उसे थोड़ा चूल्हा में डालती हूँ, प्रणाम करती हूँ, एक एक करके बेटा गरम गरम बना के देते जा रही हूँ। चलिए तो बना के मिलते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, मैं भी अपना डिनर लेके बैठ गई हूँ। मैं सोची हूँ मैं दही के साथ आलू पराठा खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए खाते हैं, दही के साथ खाने बहुत मज़ा आता है। हेलो गाइस, तो मेरा खाना पीना हो गया है और साथ ही हमने बर्तन वर्तन भी सब साफ हो चुका है, क्योंकि मैं रात को सारा काम करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही तो अच्छा लगता है। जिस तरह से गैस वैस सब साफ सुथरा करके ही सोती है और सुबह तो उठना ही पड़ता है, तो इसी तरह मैंने सारा रात का काम कर चुका है। हम लोग सब खाना खा चुके हैं, हस्बैंड भी आएंगे, वो खाएंगे। आज आपने देखा मैंने डिनर में आलू पराठा बनाया है, और क्योंकि बेटा को बहुत पसंद है इसीलिए मैं आलू पराठा बनाई हूँ। सब्जी में कुछ नहीं, क्योंकि मैं दही के साथ खाई हूँ, सासू माँ भी दही के साथ खाई है। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड, आपको गुड नाइट। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छा सा ब्लॉग बना सकूँ, जितना हो सके मैं उतना करती हूँ जो आप देखते हैं। अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करके बताइए आप मेरा ब्लॉग कहाँ देखते हैं। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड, और इसी तरह बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ पानी लेके, क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया है, तो अब मैं पानी पीऊँगी और
बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं एक तो नया अच्छे ब्लॉग के साथ। इसी तरह बने रहिए, बाय।